नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। देखिए दिल्ली में भारी बारिश ने एक बार फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति फिर से एक बार सामने आई है क्योंकि पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो दिल्ली की तस्वीरें हैं, सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। दिल्ली के धौला कुआं की ये सड़कें हैं जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और देखिए मुख्य मार्ग है, वाहन जा रहे हैं, सुबह सुबह ऑफिस का समय होता है, लोग घर से निकलते हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति। और साथ ही साथ देख लीजिए दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, शंकर विहार और राजौरी गार्डन की तस्वीर भी आपको इसी तरीके की नजर आएगी जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई है जिसके बाद ये परिस्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। बिल्कुल, और इन तस्वीरों से समझिए कि किस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद कैसे दिल्ली में हालात पैदा हो गए हैं। तो दिल्ली के धौला कुआं से मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हर साल वादे और दावे किए जाते हैं लेकिन हल्की बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीरें जो है वो जस की तस बनी रहती है। हल्की बारिश के बाद दिल्ली डूबने को तैयार हो जाती है। जरा आप तस्वीरें देखिए, तो ये धौला कुआं की तस्वीरें और मैं इस वक्त थोड़े ऊंचे पे खड़ी हूँ, उसके बावजूद अगर आप तस्वीर देखें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। आप जरा गाड़ियों की रफ्तार देखिए और किस तरीके से पूरी जो सड़क है वो लबालब पानी में डूबी हुई है। दूर से आपको जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी, चक्के जो हैं वो पानी में डूबे हैं नजर आएंगे। जरा आप देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं, और एक बार मैं अपनी तरफ तस्वीर दिखाऊं जहां मैं खड़ी हूं, तो आप देखिए ये दरअसल डिवाइडर है रोड के, इस तरफ जो है फुटपाथ बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा है, उसके बावजूद आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। यहाँ मैं नीचे जाऊँ तो ये बिल्कुल सड़क है, यहाँ गहराई है और उसके बावजूद ये सब कुछ समतल हो चुका है, बराबर हो चुका है। बारिश आप देखिए, तो ये बारिश का पानी है जो पूरा भरा हुआ है, निकासी का कोई इलाका नहीं है। और कई वादे किए जाते हैं लेकिन हर बार दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो ऐसे ही है। जरा आप इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी तकरीबन पानी में डूबी हुई है। अब जरा तस्वीरें देखें तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। और इस तरफ भी देखिए तो आप गाड़ियों की रफ्तार धीमी, लंबा ट्रैफिक जाम और दूर तो होगा। ये तस्वीर केवल धौला कुआं की नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिनके हालात कुछ यही है। निकासी की कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश इस समय थम चुकी है। कुछ घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद ये हाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही ITO, यही धौला कुआं, मिंटो रोड, हर तरफ जो आपको है कुछ ऐसी तस्वीर नजर आएगी। गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लंबा ट्रैफिक जाम। जरा आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, तो गाड़ियां कई घंटों से इसी तरीके से रेंग कर आगे बढ़ रही है। आप देखिए ना कोई रेड लाइट है और ना ही कोई स्टॉप, उसके बावजूद गाड़ियां तकरीबन रुकी हुई हैं। ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जहाँ प्रशासन के जो वादे हैं वो जमीन पर कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। लोगों को यहाँ से पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल, बाइक और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके जो पहिए हैं बंद पड़ जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आज अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते का चयन देखकर करें। ट्रैफिक जाम और जल जमाव की जो समस्या है वो दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, न्यूज़ दिल्ली।